दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कंपोस्ट खाद के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कारगर और दवाई का भी काम करता है, फर्टिलाइजर प्लस मेडिसिन। आप संतरे और केले के छिलके को एक साथ मिला दें और इसके साथ एक चीज़ अगर और मिला देंगे, संतरे और केले के छिलके के साथ अगर आप एक चीज़ और बताऊंगा आपको मिलाओगे तो आपका बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। और आप वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको सब पता लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये छिलका है और ये केला है, ठीक है। और यदि इसमें थोड़ा सा नीम के पत्ती मिला दोगे तो दवाई का काम करेगा, नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाना, मिलाओगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले कि संतरे और केले के छिलके को छोटा छोटा काट लो। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसे हम थोड़ा काटें थोड़ा, और कैसी तरीके से छोटा छोटा कर लीजिए। इस तरीके से तो ये आपका केला और संतरे का छिलका हो गया। तो इसको बनाने से आपको संपूर्ण न्यूट्रिशन मिलेगा दोस्तों। दूसरा कोई और खाद का उपयोग नहीं करना पड़ेगा कि आपने जैसे पोटाश दे दिया तो आपको अभी नाइट्रोजन देना है और आपको मैग्नीशियम देना है, ऐसा कुछ नहीं। ये आप दे दिए बना के तो बस हो गया, संपूर्ण पौधों को जो भी चाहिए इससे मिल जाता है। और यदि आपके पौधों में कीड़े उड़े जा रहे हैं या कोई कीड़ा लगा है तो विंटर के समय में तो आप देखते हैं कि आपको संतरे बाज़ार में मिलते ही रहते हैं, तो जब तक मिल रहे हैं तब तक तो आप इस खाद को बना ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप संतरे के छिलके को छोटा छोटा काट लो, जैसे आप देख रहे हैं, और केले के छिलकों को, दोनों को काट के आपको एक पानी में मिला देना है। 4 दिन के इसको भिगो के रखो। और यदि आपको लगता है कि हमारे मिट्टी में कोई कीड़े हैं या चींटियां आ रही, तो उसमें थोड़ी सी नीम की पत्ती मिला दो। और नहीं भी आ रही मिला दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उसका सोने में सुहागा हो जाता है। तो इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक आप रखिए, और जब ये तैयार हो जाए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आपको उसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाना है। 1 लीटर में 1 मुट्ठी, 1-4 चम्मच, और 1 दिन के लिए फिर वापस रखना है। तो मैं अभी ये सड़ने तक मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जब वो बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना है तब फिर मैं आपको फिर से वीडियो देता हूँ। तो अभी मैं पहले आपको यही बताते हैं कि इसको भिगो दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी है, ये डाल दिया केले का छिलका, और इसको रोज हिला दिया करो, छाए में रखना, धूप में नहीं। ऐसे भी आजकल धूप कहाँ ज़्यादा होती है। और ये थोड़ा सा इसमें नीम का पत्ती मिला देंगे, देख रहे हैं। ये हम 5-6 गमले के लिए बना रहे हैं, आपको ज़्यादा बनाना है तो। अभी इसको क्या करना है, 4 दिन रख देना है ढक के,
उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। हमने आपसे कहा था ना कि संतरा और केले के छिलके में एक चीज़ और मिला दिया जाए तो एक तीसरी बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो आज हम वही दिखाएंगे आपको कि ये हमारा है तैयार हो गया, चार दिन हो गया है। अब हम इसे छान के और तीसरी चीज़ मिलाएंगे, बर्मी कंपोस्ट। तो उसके बाद इसमें और 2 लीटर पानी मिला के 10 लीटर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे छानते हैं और छान के बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम मिलाएंगे दोस्तों, वो देखो बस। ये हमारा रुद्राक्ष का पेड़ है, अभी लगाया हूँ, अब इसमें डालता हूँ। ये गिलोय है, गिलोय दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अभी हम सब दिखाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करके आप बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।